पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के बाद अब 4 जून को मतगणना होने जा रही है। इसी को लेकर दौसा जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और मतगणना की तैयारी में जुट गया है। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी राजीव शर्मा ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतगणना दलों का प्रथम प्रशिक्षण शनिवार को रामकरण जोशी विद्यालय दौसा में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण में विद्यालय के 16 कमरों में प्रशिक्षण लेने वाले कार्मिकों को 32 मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिनमें 459 ईवीएम मतगणना के लिए, 204 पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए, 44 ईटीपीवीएस की मतगणना के लिए कार्मिकों को बुलाया गया है, जिन्हें ईवीएम पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस की मतगणना से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। किस फॉर्मेट में क्या क्या करना पड़ता है, उन सभी की जानकारी प्रथम प्रशिक्षण में दी जा रही है। आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कितने प्रशिक्षणों में बुलाया गया है, कितने प्रतिभागी वहाँ हैं? लोकसभा आम चुनाव 2024 की जो काउंटिंग 4 जून को होनी है, उस काउंटिंग के लिए काउंटिंग टीम्स का ये प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में 459 ईवीएम काउंटिंग के लिए, 204 पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए और 44 लोग ईटीपीवीएस की काउंटिंग के लिए हमने बुलाए हैं और सभी का विस्तार से प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। प्रशिक्षण की मतगणना की क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कौन से फॉर्मेट होते हैं और विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं अलग अलग पीबी की, ईटीपीवीएस की, ईवीएम की, उसकी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। 16 कमरों में हमने 32 मास्टर ट्रेनर्स लगाए हैं, साथ ही ईवीएम सहयोगी यहाँ पर लगाए हैं और सभी मास्टर ट्रेनर्स भली भांति अपना प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।